हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 जुलाई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हुए थे उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। 1757 में आज ही के दिन हस्टेनबेक पर लड़ाई हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना कमरलैंड के राजा से हार गई थी। सन 1760 में आज ही के दिन ऑस्ट्रियाई सैनिकों ने फोर्ट ग्लेट्स सिलेसिया पर कब्जा कर लिया था। सन 1788 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क ने संयुक्त राज्य के संविधान की पुष्टि की और 11वां अमेरिकी राज्य बन गया। सन 1803 में आज ही के दिन इंग्लैंड में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन के कारण वर्ड्सवर्थ और क्रोएडन के बीच बैगनवे खोला गया था। सन 1805 में आज ही के दिन मॉलिस और कैंपानिया, जो कि इटली में है, उसमें भूकंप आया था, जिसकी वजह से 5573 लोगों की मौत हो गई थी। 1826 में आज ही के दिन लिथुआनिया की हिंसा में अनेक यहूदी मारे गए थे। सन 1835 में आज ही के दिन हवाई में पहला गन्ना बागान शुरू हुआ था। 1844 में आज ही के दिन भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म हुआ था। सन 1876 में आज ही के दिन कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सन 1945 में आज ही के दिन विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सन 1951 में आज ही के दिन नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया था। सन 1953 में आज ही के दिन कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सन 1956 में आज ही के दिन मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा किया था। सन 1965 में आज ही के दिन मालदीव ब्रिटेन के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था। 1974 में आज ही के दिन फ्रांस ने मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया था। सन 1997 में श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप जीता था। सन 1998 में आज ही के दिन महानतम महिला एथलीट जैकी जाइनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। सन 2002 में आज ही के दिन इंडोनेशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के पुत्र को 15 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। सन 2005 में आज ही के दिन मुंबई में अभूतपूर्व बरसात से जनजीवन ठप हो गया था और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सन 2005 में आज ही के दिन नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ था। सन 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हथ 7 का सफल परीक्षण किया था। सन 2008 में आज ही के दिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी। सन 2008 में आज ही के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21 धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। सन 2012 में आज ही के दिन सीरिया में हिंसक घटनाओं में एक दिन में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। सन 2013 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पराचिनार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 57 लोग मारे गए। 26 जुलाई आज ही के दिन विजय दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर, जिसमें भारत ने कारगिल विजय प्राप्त की थी, जो कि युद्ध करीब 60 दिन तक चला था, कारगिल युद्ध, और इसे 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था, जिसकी वजह से 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।